ये देख सकते हैं भाई, आपको एक भी घर दूसरे कलर का नहीं दिखाई देगा, सारे एक जैसे कलर भाई। कुछ इस तरीके की लेक है ये। तो भाई हम एक व्यू पॉइंट पे आए हैं इस टाइम, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर है और यहाँ से आप पूरा भाई कंडीशन देखो, बिल्कुल ही ख़राब है। जैसे अभी स्टार्ट ही कराओ रेलवे स्टेशन बनाना, मिलेगी तो वो आपको उस टाइम मिलेगी 1500-2000, इतने बढ़ जाते हैं। अगर आपको रूम कहीं दूर मिले तो भाई लेना मत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो फाइनली अपनी ट्रेन में आ चुके हैं हम, देख सकते हैं, और पूरा भाई डिब्बा खाली पड़ा है। तो दोस्तों स्वागत है हमारी एक और वीडियो में, और इस वक्त मैं घूम रहा हूँ जैसलमेर की सड़कों पे। और जैसलमेर की सड़कों में भाई आपको एक चीज़ बहुत ही कॉमन दिखाई देगी, सारे घर जो होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं। ये देख सकते हैं भाई, आपको एक भी घर दूसरे कलर का नहीं दिखाई देगा, सारे एक जैसे कलर है। क्योंकि ये जो पत्थर है ना, मोस्टली यहाँ पाया जाता है और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो और बहुत ही कम, मतलब खर्चा कम है इसका लगाने का। ये देख सकते हैं सामने घर बन रहा कंस्ट्रक्शन, तो पत्थर भी वही पड़ा है। तो इसे कहते हैं भाई गोल्डन सिटी जैसलमेर, आपको कोई सा भी घर दूसरे कलर में दिखा ही नहीं देगा। तो भाई इस टाइम हम जा रहे हैं गाड़ेश्वर लेक, जो एक शाम को अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है, क्योंकि वहाँ होते हैं फोक डांस राजस्थान के, और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है शाम को। तो गाड़ेश्वर लेक जाते हैं सबसे पहले और वहाँ दिखाएंगे आपको क्या माहौल है इस टाइम, क्योंकि सूरज थोड़ा ढल रहा है शाम को। और दिन में अगर घूमना चाहो आप तो भाई बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है इस टाइम, और मैं जो आया हूँ ये है इस टाइम भाई जुलाई का मौसम, तो काफ़ी गर्मी है इस टाइम। तो दोस्तों अब आ चुके हैं हम गाड़ीसर लेक, और जिसकी एंट्री कुछ इस तरीके की है, काफ़ी शानदार लग रही है, और शाम को होने वाला है यहाँ पे शो, तो अभी देख सकते हैं। तो भाई अंदर आ चुके हैं हम, गाड़ीसर लेक की ये एंट्री है, आप देख सकते हैं पीछे आपको दिख जाएगी लेक, और लेक का कुछ व्यू ऐसा है भाई, कुछ इस तरीके की लेक है ये। यहाँ से आप बोटिंग कर सकते हैं 100 रुपये पर पर्सन, और जो शो होता है वो भाई यहाँ पे होता है मेन पॉइंट पे, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ, जब होगा। और ये पूरी मैन मेड है, देख सकते हैं भाई कितनी सही लग रही है। शाम को सनसेट देखने का भाई यहाँ लगी मजा है। तो अभी चलते हैं किसी पॉइंट पे, और ये देख सकते हैं पूरा गेट इसका। तो भाई हम एक व्यू पॉइंट पे आए हैं इस टाइम, ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ऊपर है, और यहाँ से आप पूरा नज़ारा देख सकते हैं गाड़ीसर लेक का। और यहाँ आपको बोटिंग का सारा सामान मिल ही जाएगा, बोटिंग करना चाहे तो। ये देखो भाई, ये मैन मेड है पूरी लेक, और कितने दूर तक। और यहाँ देखो भाई, ये है मछलियाँ। तो भाई काफ़ी सुंदर सुंदर स्पॉट बनाए गए हैं गाड़ीसर लेक के पास, आप व्यू का मज़ा ले सकते हैं चारों साइड से, और देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत सारे व्यू पॉइंट है, उसकी तरफ ही अब हम जा रहे हैं, तो और दिखाएंगे हम। इसी के साथ हम आए एक और पॉइंट पे, जो ये कैफ़े भी है, यहाँ आप खाना खा सकते हो और व्यू का इंजॉय ले सकते हो। ये भाई ये देखो व्यू, और इतनी अच्छी हवा चल रही है इस टाइम। मैं आपको कैफेज दिखाऊं, एक सबसे पहले ये है, उसके बाद ऊपर कैफे है बहुत सारे, एक ये है, और ये इसी के सामने बिल्कुल आपको व्यू, ऐसा व्यू आएगा पूरा। ये फिलहाल निकल चुके हैं हम मार्केट की तरफ, यहाँ जैसलमेर की अभी कुछ दुकानें खुली हुई है और मोस्टली तो बंद है, देख सकते हैं आप सारी दुकानें बंद सी होने वाली है अब तो यहाँ ज़्यादा जल्दी ही बंद हो जाती है चीज़।
तो फाइनली गाइस चेक इन कर चुके हैं हम इस होटल में जो हमें 600 रुपये पर डे का पड़ा है। ये पूरा भाई इस तरीके का गेट है इसका, ऐसा कुछ बेड है, और यहाँ से आपको दिखाई देने वाला है जैसलमेर फोर्ट, जो कि अभी मैंने लॉक कर रखी है ये विंडो। ये मिरर है और ये इसका वॉशरूम देख सकते हैं आप। सही है, वॉशरूम साफ है काफी। ये पूरा रूम है भाई। तो भाई ओवरऑल जर्नी जो जैसलमेर की थी काफ़ी सही थी। अगर आपको शौक है कि पुरानी हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का या कुछ अलग एक्टिविटीज़ करने का, जैसे सैंड ड्यून में आप कैंप कर सकते हो और आपको डेजर्ट में वो कर सकते हो, या इंडो पार्क बॉर्डर जा सकते हो, तनोट माता मंदिर जा सकते हो, तो इसका आपको खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ सकता, क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है और मैं ऑफ सीज़न में आया हूँ, तो ऑफ सीज़न का थोड़ा ज़्यादा खर्च लेके बैठ सकते हो आप। लाइक अगर आपको 1 पर्सन का अगर आपको कैंप करना है डेजर्ट में, तो उसको आपको उसमें प्रोवाइड होगा, खाना वगैरह सब होगा, उसके चार्जेस लेंगे ये आपके। अगर आप सीज़न में आ रहे हो अक्टूबर के बाद, तो उसके चार्जेस आपको देने पड़ेंगे इन्हें 10 to 12,000, 15,000 इतना होता है। अभी ऑफ सीज़न है तो इनका अभी जो नॉर्मल प्राइस है 2,500 से 3,000, 5,000 उसके बेस पे है, जो आप वहाँ जाके रूम लोगे उस तरीके के। तो भाई ये ओवरऑल आपका खर्चा हो सकता है। और यहाँ के जो प्राइस है भाई टैक्सी को लेके, ऑटो वगैरह को लेके भाई काफ़ी हाई रेट है। 2 किलोमीटर के आपसे ये 300 से 400 रुपये प्राइस ले सकते हैं ऑटो के, और जो टैक्सी है वो भी मतलब काफ़ी हाई रेट है। वैसे यहाँ के जो ओवरऑल है खाने वगैरह का सबका हाई रेट है यहाँ पे। अगर आपको 15 रुपये का पैकेट MRP पे मिल रहा है तो वो 18 रुपये का देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप कुछ भी खुद बुक करके जाओगे बाइक रेंट पे वगैरह, तो सबसे बेस्ट है। 2 पर्सन आओ उसे घुमा सकते हो पूरा, उससे अच्छा बच जाएगा। दोस्तों कुछ इस तरीके का दिखता है जैसलमेर रेलवे स्टेशन, अभी फिलहाल बन रहा है, और जब ये बन जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा के भाई 3 बज रहे हैं, 3 बजे की ट्रेन है अपनी, और पहुंच चुके हैं जैसलमेर रेलवे स्टेशन। देखो भाई पूरा लाइट वाइट कुछ नहीं है, अंधेरा है, जस्ट बन ही रहा है अभी ये रेलवे स्टेशन। ये अब चलते ऊपर की तरफ, और ये हमारी ट्रेन खड़ी है, 3 बजे स्टार्ट हो जाएगी, 2 बजे अभी चलते हैं भाई। बहुत ही कम लोग हैं इधर, और पूरा रेलवे स्टेशन भाई खाली पड़ा, इतना है नहीं अभी बना हुआ। ये भी बनी रही है बिल्डिंग, पूरा देखो भाई खाली पड़ा है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है अभी। ओ भाई कोई नहीं है दूर दूर तक। फर्स्ट चीज़ तो ये है कि भाई यहाँ जो ट्रेनें आती है रात को लेट आती है और लेट ही जाती है। ये देखो बड़ा भाई, देख नहीं रहा, यू रहा यो पड़ा, सो रहा है। अब अपना डिब्बा ढूंढ लेंगे भाई, और सामने दिखेगा आपको फोर्ट। कुछ इस तरीके की हालत है भाई ये जैसलमेर रेलवे स्टेशन। ये बन रहा है दूसरा प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है जिस पर मोस्टली ट्रेनें आती है दिल्ली से और जाती है। और भाई कंडीशन देखो बिल्कुल ही ख़राब है, जैसे अभी स्टार्ट ही कराओ रेलवे स्टेशन बनाना। लोग तो भाई जैसलमेर के बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप रात को घूमो दिन में घूमो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि भाई कोई ख़तरा है। बट यही है भाई, थोड़ा ऑफ सीज़न में आओगे तो गर्मी वगैरह आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि मैं ऑफ सीज़न में आया था, और मतलब बहुत सी जगह मैं गया हूँ, ऑलमोस्ट सारी जगह चला गया हूँ, सारे ब्लॉग मैंने डाल दिए हैं। बट गर्मी में भाई तुम आओगे तो बहुत सारी चीज़ें तो तुम छोड़ दोगे और मन में नहीं लगेगा करने में, बट शाम को मौसम अच्छा हो जाता है, और यहाँ के कैफ़ेज़ भाई बहुत ही सुंदर है। तो सबसे बेस्ट चीज़ तो मुझे यही लगी भाई यहाँ की, कि जो हॉस्टल्स है, या आप जो हॉस्टल करोगे कुछ भी करोगे ना हॉस्टल में, तो भाई बहुत ही अच्छी तरीके से सजा रखे हैं। एक मैंने वीडियो में भी डाला है मुस्टैच का, बहुत ही सुंदर है। 2-3 ब्रांच है उसकी जो हॉस्टल की,
काफ़ी सुंदर तरीके से यहाँ आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे और सारा व्यू आपको जो भी होटल लोगे वो आपको फोर्ट के आसपास ही मिलेगा। तो बस ये था अपना जैसलमेर की पूरी जर्नी। और अगर आपको और भी देखना है तो भाई सारे ब्लॉग देखना, मेरे बॉर्डर के भी ब्लॉग मिलेंगे आपको, यहाँ के फोर्ट के मिलेंगे, और भी जो मोस्टली चीज़ें आप देखने को नहीं मिलेगी वो सारे ब्लॉग में मैंने डाल दिए। अगर कोई यहाँ आने का प्लान कर रहा है तो भाई एक बार ब्लॉग सारे देखना, आपको अच्छे से और पता चलेगी। अब चलो अपना ट्रेन पकड़ते हैं और दिखाता हूँ आपको। ट्रेन वैसे तो मोस्टली खाली मिलती है अजमेर तक, और अजमेर से खाली ही आती है जैसलमेर जब ऑफ सीज़न होता, बट जब सीज़न चलता है तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कहते कि सीज़न में जब फोर्ट के आसपास पूरा शहर बस रहा है ना, वहाँ जगह नहीं मिलती लोगों को और होटल्स भी नहीं मिलते। वैसे तो होटल्स बहुत हैं यहाँ बट मिलते ही नहीं है उस टाइम जब सीज़न चलता है। और रेट जो होते हैं ना सीज़न में, लाइक आप सितंबर में आओगे, सितंबर से जनवरी फरवरी तक आपको ऐसे रेट मिलेंगे जैसे ऑफ सीज़न में आपको 500 रुपये की चीज़ मिलेगी, तो वो आपको उस टाइम मिलेगी 1500-2000, इतने बढ़ जाते हैं। 5 दिन यहाँ जैसलमेर रहा हूँ और मेरे 3 जगह मैंने स्टे करा है। 2 जगह मैंने डोम्स लिए थे, 1 जगह मैंने होटल्स लिए थे, होटल लिया था। और भाई जो होटल वगैरह के एक्सपीरियंस है, मतलब तीनों जगह के बेस्ट एक्सपीरियंस है। और मैं बताऊँ पूरा जैसलमेर जो है ना ये फोर्ट के आसपास ही दिखेगा। अगर आपको रूम कहीं दूर मिले तो भाई लेना मत, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर आप रिक्शा वगैरह भी लोगे तो उसके रेट उस टाइम आपको 300-400 रुपये चार्ज करेंगे सिर्फ फोर्ट आने के, वो भी 1-2 किलोमीटर। तो मेक श्योर कि आप फोर्ट के आसपास ही रूम लो। सो फाइनली अपनी ट्रेन में आ चुके हैं हम, देख सकते हैं। और पूरा भाई डिब्बा खाली पड़ा है, देखो भाई अब चलेगी ट्रेन, खाली पड़ा पूरा स्टेशन। और आपको दिखा दूं पूरा भाई डिब्बा खाली पड़ा पूरा। चलो चलते हैं।